तीसरा जो स्ट्रेस का प्रकार होता है वो क्रॉनिक स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। क्रॉनिक स्ट्रेस हमारा वो स्ट्रेस होता है जो इमोशनल आउटबर्स्ट है और इमोशनल रिस्पॉन्स है, और लंबे टाइम तक जब हम व्यक्ति को लगता है कि इसका कोई वे आउट नहीं है और वो परसिस्ट करता है, उस कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेज में होता है, तो कंटिन्यू जब वो करता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है और मेंटेन रहते हैं वो फिनोमिना जो कॉन्फ्लिक्ट वाला, तब हम उस तो उसके साथ साथ जो स्ट्रेस के सिम्टम होते हैं वो भी मेंटेन रहते हैं और ख़त्म नहीं हो पाते, तो उसे क्रॉनिक स्ट्रेस की कैटेगरी में डाला जाता है। क्रॉनिक स्ट्रेस पे वर्कआउट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक्यूट स्ट्रेस है या एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस है उस पर फिर भी आप व्यक्ति कुछ कंट्रोल कर सकता है, बट क्रॉनिक स्ट्रेस एक तरह से व्यक्ति के अंदर एक कंडीशनिंग डेवलप करता है और उससे वो खुद बाहर नहीं आ सकता। क्रॉनिक स्ट्रेस की कंडीशन में व्यक्ति को या जो भी सफरर है क्रॉनिक स्ट्रेस से, उसको एक सेकेंड हेल्प की ज़रूरत होती है, प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए आपको किसी ना किसी प्रोफेशनल हेल्प के लिए की मदद ज़रूर लेनी चाहिए आइडेंटिफाई करके अपने सिम्टम को। For more information and advice from experienced doctors, download the Moxie app.